वीरेंद्र कुलकर्णी के चेहरे पर स्याही फेंकने के बाद भी शिवसेना नहीं रुकवा सकी कसूरी की किताब का विमोचन। भारी सुरक्षा के बीच नेहरू सेंटर में हुआ कार्यक्रम। किताब विमोचन के बहाने अमन का पैगाम दे रहे कसूरी की खुली पोल। दाऊद के सवाल पर पलटी, कहा गृह मंत्री नहीं था मैं, नहीं जानता कहां है दाऊद। सुधींद्र की बेटी ने खालिक पोतने के बाद दर्ज कराया मुकदमा। मुंबई पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। शिवसेना ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की पुस्तक के विमोचन समारोह को लेकर किया था विरोध। सुधींद्र के कार्यक्रम पर अड़ने के बाद खालिक पोतने की कार्रवाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा विदेश से आने वाले लोगों को सुरक्षा देना सरकार का दायित्व, पर भारत विरोधी कोई बात नहीं होगी बर्दाश्त। सुधींद्र कुलकर्णी को कालिक पोतने का वीडियो सीसीटीवी में कैद, पुलिस सीसीटीवी के आधार पर किया 6 आरोपियों को गिरफ्तार। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने सुधींद्र कुलकर्णी पर स्याही फेंकने की घटना को बताया मुंबई के लिए काला दिन। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सुधींद्र को स्याही पोतने की घटना की निंदा की, कहा अगर आप किसी के विचारों को पसंद नहीं करते तो उसके खिलाफ उग्र होना भी गलत। एनसीपी ने कसूरी को वीजा दिए जाने पर उठाए सवाल, कहा केंद्र की सहमति के बाद ही पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री को आने की मिली अनुमति। शबाना आजमी और महेश भट्ट ने भी कुलकर्णी पर स्याही फेंके जाने को बताया शर्मनाक घटना। भट्ट ने ट्वीट किया इस घटना से लोकतंत्र पर उठा सवाल। लुईस बर्जर केस में गोवा के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री चर्चिल अलमाओ को मिली बेल, अगस्त थे सलाखों के पीछे। राधे मां की मुसीबत बढ़ी, टीवी एक्ट्रेस डॉली बृंद्रा ने लगाया अपने शारीरिक शोषण का आरोप। डॉली ने राधे और उनके समर्थकों के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। महाराष्ट्र में बढ़ रहा है स्वाइन फ्लू, रविवार को 3 लोगों की मौत। जनवरी से अब तक 810 लोगों की हो चुकी है मौत। कल से शुरू हो रहे नवरात्र के लिए तैयार है मुंबई, गरबा डांडिया स्थलों पर पुलिस रहेगी मुस्तैद। नजर रखने के लिए लगाए जाएंगे 1500 सीसीटीवी कैमरे, 25,000 पुलिस वाले रहेंगे तैनात। सीबीआई ने श्रीना बोरा केस में पीटर मुखर्जी और राहुल मुखर्जी का दर्ज किया बयान, आगे भी हो सकती है पूछताछ। पुणे में एक मां ने अपने 5 साल के बेटे की मार कर खुद की आत्महत्या, पारिवारिक विवाद हो सकती है वजह। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में सुस्ती, सेंसेक्स 175 अंक गिरा, निफ्टी में भी गिरावट, 50 अंक गिरकर 8,143 पर बंद। सोने में चढ़ाव, 270 रुपए बढ़कर 26,600 प्रति 10 ग्राम पर हुआ बंद, चांदी भी चमकी। दिलीप कुमार को मध्य प्रदेश सरकार देगी राष्ट्रीय किशोर कुमार अवार्ड, कल मुंबई में दिलीप कुमार के घर पर दिया जाएगा सम्मान। नमस्कार, मैं हूं बीना नवीन, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। इस वक्त की बड़ी खबर, सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर कालिक पोतने के मामले में शिवसेना के 6 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कसूरी की किताब विमोचन के मुख्य ऑर्गेनाइजर थे सुधींद्र, और विमोचन में जाने से पहले ही उनके चेहरे पर कालिक पोत दी गई, और इस घटना के बाद उन्होंने कार्यक्रम रद्द नहीं किया, विमोचन किया गया। सुधींद्र की बेटी ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई थी, जिसके बाद इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी मिला था इस पूरी घटना का, जिसके आधार पर पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। इस वक्त हमारे संवाददाता मुनीश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुनीश, क्या ज्यादा जानकारी है? बिना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 6 आरोपी जो थे उसमें, जिन्होंने
सही फेंकी हुई थी, उन आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। वो दावा कर रहे हैं कि ये वही आरोपी हैं जिन्होंने आज सुबह 9:04 पर जब सुधींद्र कुलकर्णी अपने घर से बाहर निकल रहे थे तो उनके घर के प्रीमाइसिस में उनकी कार रोकी और उनके ऊपर शाही फेंका था। उसके बाद में पुलिस ने FIR दर्ज की थी और लगातार टीमें बनाकर तलाश की जा रही थी आरोपियों की, और पुलिस ने फिलहाल ये दावा किया हुआ कि 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कुछ और आरोपी हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में भी लिया हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर साफ नहीं हो पा रहा है कि पुलिस ने गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी। कल इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद कोर्ट ये इजाजत देगा पुलिस को कि वो आखिरकार पुलिस कस्टडी में रहेंगे या फिर उनकी बेल होगी। जी बिना जी मुनीश, क्या कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं इस पूरे मामले में? जी, अभी जो सूत्र बता रहे हैं उनका ये कहना है कि इस मामले में कुछ और आरोपी हैं, उनको अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया है, उनकी पूछताछ चल रही है। अब ये देर रात में ही साफ हो पाएगा कि पुलिस आखिरकार उन्हें गिरफ्तार करती है कि नहीं करती है। उसके अलावा पुलिस ये भी तफ्तीश कर रही है, क्योंकि शुरुआती जो जानकारी दी थी सुधींद्र कुलकर्णी ने और जो तमाम वहां पर चश्मदीद मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा हुआ था कि सभी के सभी शिव सैनिक हैं, शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन मामला अज्ञात शख्स के खिलाफ था। तो अब पुलिस ये भी तफ्तीश करेगी कि आखिरकार जो गिरफ्तार शख्स हैं वो शिव सैनिक हैं या नहीं है। जी मुनीश, फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, सीसीटीवी के आधार पर सीसीटीवी फुटेज मिला था इस पूरी घटना का, जिसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई है। तो शिवसेना ने कसूरी की किताब के विमोचन के खिलाफ होने की वजह भी दी, कहा कि वो इसके खिलाफ इसलिए हैं कि पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों में लगा रहता है, और विदेश मंत्री रहते हुए कसूरी ने भी भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया, और इस बीच ये 6 गिरफ्तारियां हो गई। जब राजनीति संवेदना की हर दहलीज को तोड़ने लगे तो विरोध के कालिख बुद्ध की तरह खड़े किसी चेहरे पर नहीं बल्कि सभ्य समाज के माथे पर पहुंच जाती है। सोमवार की सुबह मुंबई में ऐसा ही नजारा मिला जब पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के कभी करीबी रहे सुधींद्र कुलकर्णी को शिव सैनिकों ने कालिख से नहला दिया। आज सुबह जब मैं घर से निकला और मैं गाड़ी में बैठी रहा था तो एक 10-15 शिवसैनिक आए और मुझे उन्होंने घेरा और नारेबाजी की, मुझे धमकी दी और ऐसी गालियां दी जो हिंदू धर्म को या हिंदुत्व को शोभा नहीं देते, और काले ऑयल पेंट से मुझे सब कर दिया। लेकिन इससे हम डरने वाले नहीं है। सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर शिवसैनिकों ने इस तरह कालिख मली कि उनका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। सुधींद्र का दावा है कि ये शिवसैनिकों की नफरत की स्याही है। उन्हें उनके घर के बाहर कुछ शिवसैनिकों ने तब निशाना बनाया जब वो गाड़ी से निकल रहे थे। शिवसैनिकों ने न सिर्फ कुलकर्णी के चेहरे पर कालिख पोती बल्कि उन्हें बुरे अंजाम की खुली धमकी भी दी। उन्होंने धमकी दी थी कि शिवसेना स्टाइल में हमारे प्रोग्राम को वो डिस्टर्ब करेंगे। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम तो होकर ही रहेगा। सुधींद्र कुलकर्णी पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब के विमोचन के आयोजक हैं। लेकिन शिवसेना इस बात पर अड़ी रही कि कसूरी की किताब का विमोचन हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए, और कहीं हो तो हो, मुंबई में तो हरगिज नहीं होना चाहिए। इसीलिए कुलकर्णी पर शिवसेना ने कालिख फेंकी इस धमकी के साथ कि ये तो हल्का सा विरोध है, पता नहीं बड़ा और कड़ा विरोध कैसा होगा। ये तो नॉन वायलेंट विरोध है, ये कहाँ हिंसक है? अगर वायलेंस होता तो ऐसा नहीं होता, ये तो बहुत ही माइल्ड रिएक्शन है। और हमें वे लोग कह रहे थे कि आपको विरोध करने का पूरा अधिकार है, तो शिवसेना को ये विरोध किया है, दिस इज नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। अपने विरोध में शिवसेना आरोपों के कौन से तीर कसूरी और कुलकर्णी पर चला रही है ये हम आपको बाद में दिखाएंगे। पहले देखिए कुलकर्णी पर हमले का वो सीसीटीवी फुटेज जो आज तक के पास है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि माटुंगा स्थित अपने घर से कुलकर्णी कार में निकल रहे हैं। उस वक्त सुबह के 9:40 का वक्त हो रहा था। जैसे उनकी कार किंग सर्कल पर पहुंची, वहां मौजूद कुछ शिवसैनिकों ने कुलकर्णी की गाड़ी घेर ली। एक शिवसैनिक ने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन लॉक होने की वजह से दरवाजा खुला नहीं। कुलकर्णी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो गाड़ी के बाहर निकले।
इस बीच पीछे से एक शख्स तेजी से आया और उसने सुधींद्र कुलकर्णी पर कालिख पोत दी। बस 40 सेकंड में सभ्य विरोध के चेहरे पर भी कालिख पोत गई। विरोध का आपके पास फ्रीडम है, प्रदर्शन करने का भी आपके पास फ्रीडम है, लेकिन दूसरा को नुकसान नहीं करना चाहिए। फिजिकल इस तरह से करना ये ठीक नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को इस तरह से रेड कारपेट डालते हैं ना, ऐसे लोग कसाब से भयंकर है। हम कसाब से सामने से लड़ सकते हैं, उस पर गोली चला सकते हैं, उसकी गोली भी हम खा सकते हैं, हमें मालूम है हमारा दुश्मन कौन है। लेकिन ये जो लोग है ना, ये इस देश में ये इंटेलेक्चुअल कसाब है ये सब। घटना के तुरंत बाद कुलकर्णी पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कसूरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे। यहां भी कुलकर्णी कालिख वाली मुद्रा में ही थे, लेकिन एक बात साफ थी कि वो शिवसेना के विरोध के बावजूद शाम को नेहरू सेंटर में किताब का विमोचन करेंगे, और विमोचन हुआ भी। और यहां शिवसेना को दिग्गज फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने आईना दिखाया। आई फाइनली डिड विजिट पाकिस्तान and I can state without qualification that all I have experienced whenever I have visited Pakistan is affection and regard. Never has I have been there to perform several times, never has a performance that I was due to do been cancelled or held up or disturbed or even endangered in any way. Mumbai ki fizaon mein is waqt aakrosh ki wo tapish hai jo Hindustani sabhyata se shayad mel nahi khati. मुस्तफा शेख के साथ मनीष पांडे, मुंबई, आज तक। तो इस विमोचन के खिलाफ क्यों है शिवसेना, इसकी वजह भी शिवसेना ने गिनाई थी। लगातार वो कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ रहे हैं और पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों में लगा रहता है, और इसी वजह से वो इस विमोचन के लगातार खिलाफ थे। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले को कौन भूल सकता है। सीमा और नियंत्रण रेखा पर होने वाले सीज फायर के उल्लंघन को कौन भूल सकता है। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले को कौन भूल सकता है। इस वक्त भी सीमा पार से होने वाले आतंक को भुलाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब के विमोचन के विरोध में शिवसेना की यही दलील है। यही मिस्टर कसूरी है जिसने कश्मीर के फुटीरतावादी हुरियत कॉन्फ्रेंस सबको एक साथ बुलाकर उनसे भारत के हिंदुस्तान के विरोधी चर्चा की थी। यही कसूरी है कि विदेश मंत्री जब थे तब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अटल जी को आर पार की लड़ाई की भाषा करनी पड़ी थी पाकिस्तान के खिलाफ, और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नेता को मुंबई में रेड कारपेट डालकर स्वागत करना हमारे देश की भावना के खिलाफ है। पाकिस्तान की आतंकी और भारत विरोधी हरकतों को कोई नहीं भूल सकता, लेकिन क्या इस आधार पर पाकिस्तान के एक पूर्व विदेश मंत्री की किताब का विमोचन हिंदुस्तान में रोका जा सकता है। शिवसेना ने कसूरी की किताब के विमोचन के आयोजक कुलकर्णी के साथ जैसा सुलूक किया, उसके बाद सवाल उठता है कि क्या सभ्य समाज का कोई मतलब नहीं है। मेरे वर्षों से साथी रहे हुए सुधींद्र कुलकर्णी पर किसी ने हमला किया और किसने किया मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जिसने भी किया उसकी मैं भर्त्सना करना चाहता हूं। इससे पहले कि शिवसेना के बवाल और विवाद पर मचे घमासान पर हम आगे बढ़ें, हम आपको बता दें कि कसूरी हैं कौन। 1990 में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में शामिल हुए, इसके बाद सरकारें बदलती रहीं, लेकिन कसूरी की एक राजनयिक के रूप में पहचान मजबूत होती रही। 23 नवंबर 2002 से 15 नवंबर 2007 तक वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री रहे, जब जनरल परवेज मुशर्रफ वहां के राष्ट्रपति थे। इस वक्त कसूरी इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदस्य हैं। मुंबई पहुंचे कसूरी का दावा है कि उनकी किताब दोनों देशों के रिश्तों पर पड़े खटास को दूर करेगी और भविष्य का रास्ता निकालेगी। कि जो रवाबित है, कॉन्टैक्ट है आम लोगों के दरमियान, वो ही जमानत इस बात की है
के स्टेट टू स्टेट रिलेशंस जो है बेहतर होंगे। अगर आम लोगों के ताल्लुकात जो हैं वो खत्म हो जाएं तो तबाही आ जाएगी। और मैं आपको बताता हूं, मेरा सजेशन है, जो इतना काम मैंने किया मुझे तजुर्बा है, ये हालात फिर बदल सकते हैं। बजाय ये कि आप मीडिया के सामने बातें करें, बैक चैनल नेगोशिएटर्स अपॉइंट कर दें, तो आप देखेंगे 2 साल में कितनी तब्दीली आएगी। शिवसेना का दावा है कि उसकी फिलॉसफी ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली है, इसीलिए कुलकर्णी कसूरी के विवाद में उसने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी है। आज तक से बातचीत में खुद फडणवीस ने माना कि किसी विदेशी नेता को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन किसी सभा का माहौल भारत विरोधी नहीं होना चाहिए। लेकिन शिवसेना के रवैये से मुंबई का संभ्रांत तबका दुखी है, उसे लगता है कि शहर की साख पर बट्टा लग रहा है। अब सवाल है कि काली की इस राजनीति का फायदा किसको है। शिवसेना ने अपनी परंपरागत राजनीति की झलक दिखाकर अपना आधार मजबूत करने की कोशिश की। राजनीतिक सन्नाटे में पड़े सुधींद्र कुलकर्णी अचानक सुर्खियों में आ गए और कसूरी की किताब चर्चा में आ गई। इन सब के बीच घाटा उस सभ्य समाज को होता है जो हिंदुस्तान की पहचान है। वीरेंद्र सिंह घुरावत के साथ मुनीष पांडे, मुंबई आज तक। पुणे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला ने अपने 5 साल के बेटे की हत्या कर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि महिला का अपना पति से विवाद चल रहा था। 1 महीने से दोनों घर में ही अलग अलग कमरों में रहते थे। 34 साल की दीप्ति मोरे ने अपने 5 साल के बेटे के हाथ की नस काट कर पहले उसकी हत्या की और फिर खुद 4th मंजिल से कूद कर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक दीप्ति का पति तेजस मोरे घर पर ही था, लेकिन वो दूसरे बेडरूम में था जिसका दरवाजा दीप्ति ने बाहर से बंद कर दिया था। घटना के बाद इलाके में खलबली मच गई। पत्नी और बेटे की मौत से तेजस भी सदमे में चला गया। दोघेही सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते आणि आमचं म्हणजे राहायचे व्यवस्थित, म्हणजे असं काही वाटलं नाही कधी त्यांची भांडणं वगैरे झाली किंवा काय। प्राथमिक तौर पर घटना का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसमें दीप्ति मोरे ने लिखा है कि उसकी जिंदगी की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं, उसका और उसके बेटे का अंतिम संस्कार एक साथ कर दिया जाए। बेसिकली प्राथमिक इंक्वायरी में तो पर्सनल तनाव या जो प्रोफेशनल तनाव ही इसमें दिखता है, लेकिन तहकीकात जारी है। मोरे परिवार 2007 से पुणे के पौश मणिकबाग इलाके की निखिल गार्डन सोसाइटी में 4th मंजिल पर रह रहा था। दीप्ति ने बेटे अर्णव की देखभाल के लिए 5 महीने से दफ्तर जाना बंद कर दिया था। आखिरकार घर में ऐसा क्या घटा जिससे दीप्ति को ऐसा कदम उठाना पड़ा, ये जानने के लिए पुलिस पति तेजस के अस्पताल में ठीक होने का इंतजार कर रही है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।